अगर आप भी चाहते हैं अपने पसंदीदा शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता से पूर्ण आभूषण खरीदना, तो आपके अपने ही शहर में स्थित दीक्षित ज्वेलर्स शिमला चले आना। दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। संपर्क करें 01772671115। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास, तो यहाँ आकर पूरी होगी आपकी हर एक आस। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल कमला नगर शिमला। सत्र 2024 और 25 के लिए प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक और पहली से 9वीं कक्षा के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक। तो जल्दी कीजिए, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कार युक्त शिक्षण संस्थान के लिए एकमात्र विकल्प आपके अपने शहर शिमला में सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल कमला नगर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8278810797 पर। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर बजोरा स्थित क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित कृषि महोत्सव व किसान मेले की अध्यक्षता करते हुए वैज्ञानिकों से कहा कि वे विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्य को किसानों के खेतों व बगीचों तक पहुँचाएँ, ताकि किसान व बागवान आधुनिक तकनीक को अपनाकर आर्थिक रूप से और सुदृढ़ हो सके। ने जो डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौणी का जो स्थापना दिवस है 39वां, उसको मनाने के लिए आज हमने यहाँ पे एग्री फेस्ट एवं किसान मेला जो है उसको मनाया है। यह जो एग्री फेस्ट एंड किसान मेला है, हमारी यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम चला हुआ है जो कि हम ये कहते हैं कि नेशनल एग्रीकल्चर जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, और ये हमारे हर एक केंद्र पे, हर एक कॉलेज में मनाया जा रहा है। हमने ये सोचा कि आज हमारा फाउंडेशन डे है तो इसी दिन हम इसको मनाते हैं। तो 13 स्कूलों को जो हमारे कुल्लू और मंडी जिला से जो सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हैं, वहाँ से हमारे लगभग 100 बच्चे हमारे पास आए हुए हैं, और उन बच्चों को हमने विभिन्न प्रतिस्पर्धा के लिए आमंत्रित किया था। उसमें ड्राइंग, डेक्लामेशन, मॉडल प्रिपरेशन, और जो कि हमारे बागवानी, वानिकी और पर्यावरण के ऊपर उसके टॉपिक्स थे, उसके ऊपर हमने इनका प्रतिस्पर्धा करवाई, और उसमें हम जो बच्चे हैं उनको 1st, 2nd, 3rd प्राइज निकाल करके, और कोशिश ये कर रहे हैं क्योंकि हमारा मेन इसका मकसद था कि बच्चों को अपनी हॉर्टिकल्चर की जो है और बागवानी और वानिकी की जो एजुकेशन है उसके प्रति जागरूक करना। तो हमने इनको इनाम में भी, हम इनको जो हमारी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं वही हम इनको इनाम में दे रहे हैं, और इसके साथ साथ हमने इन बच्चों के लिए अपने पॉपुलराइज करने के लिए जो हमारी यूनिवर्सिटी की लोगो लगा करके जो कुलवी हमारी सदरी है वो हमने हर एक बच्चे को दी है, और जो हमारे एलुमिनाई आए हुए हैं उनको हमने मफलर के साथ सम्मानित किया है। और इसका हमारा उद्देश्य, जो बागवान भी हमने यहाँ बुलाए हैं, हमारा एक मकसद ये भी था कि बागवानों का जो सामंजस्य है कि हमारे वैज्ञानिकों के साथ और के किस प्रकार से बनाया जाए, ताकि उन्हें एक स्टेज मिल सके, एक मंच मिल सके जहाँ पर वो अपनी बात को रख सकें और हमारी बात को सुन सकें। तो ये भी हमारा एक इसका उद्देश्य था। इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि जो हमारा विश्वविद्यालय है उसके हमारे जैसे 5 अनुसंधान केंद्र हैं, हमारे 12 सैटेलाइट स्टेशंस हैं और 5 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं। अनुसंधान केंद्र का कार्य हमारा रिसर्च करना है, और जो केवी केज है उस रिसर्च को बागवानों और किसानों तक पहुंचाना है। और आज हमने जितना भी कार्य किया हुआ है उसको लिखित रूप में लाने के लिए विभिन्न प्रकार की हमने जो ब्रोशर्स हैं वो बनाए हैं, और पिछले 10 सालों पर आधारित जो
अनुमानित मौसम है उसके अनुरूप हमने कौन कौन से हमारे बगीचे का प्रबंधन होना चाहिए, किस महीने में, उसके लिए हम एक ने कैलेंडर बनाया है ताकि हर एक बागवान उस कैलेंडर को अपने घर में लगा करके सिर्फ एक रिमाइंडर उसका हो जाए कि कहीं मेरी ये प्रक्रिया छूट तो नहीं गई, उस प्रक्रिया को वो फटाफट उसी महीने में कर सके। इस मेले का उद्देश्य हमारा यही है कि हमारी एजुकेशन बच्चों के बीच में जाए, हमारा नॉलेज जो है, हमारा एक्सपीरियंस जो रिसर्च बागवानी और वानिकी में है वो किसानों के साथ साझा हो, उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर के हम अगले चैलेंजेस को तैयार करें। और ये आज मैं ये चाहती हूँ कि जितने लोगों ने लगभग 350-350 फार्मर्स जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं, 100 बच्चे हमारे साथ आए हैं, हमारे एलुमनाइज जो कि विभिन्न विभिन्न अच्छे उच्च पदों पर आसीन है वो भी हमारे बीच में है। तो हम ये चाहते हैं कि डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, आपका प्रशासनिक तथा आपके जो बैंक का है इवन, उनको भी हमने बुलाया ताकि अगर कोई अपना काम शुरू करना चाहता है तो पैसा जो है एक अड़चन पैदा करता है। तो हमने विभिन्न प्रकार की जो कृषि संबंधित उनकी जो जानकारियां है, किस प्रकार से वो उनकी योजनाएं हैं उसके बारे में भी उनको बताया। और उसके बाद हमने बागवानों को बदलते परिवेश के ऊपर, आपका बागवानी को लेकर के क्या क्या करना चाहिए उसके ऊपर लेक्चर करवाए, परागण के प्रति उनके क्या जागरूकता होनी चाहिए उसके ऊपर लेक्चर करवाए, और जो बच्चों ने मॉडल्स बनाए हुए हैं वो भी हमारे जैसे बहुत अच्छे संदेश देने वाले मॉडल है, ड्राइंग में भी उन्होंने ऐसे ही किया, और जो डेक्लामेशन है उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छे से अपने विचार रख करके, तो हम ये कह सकते हैं कि बडिंग हमारे जो हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है आज हमारे बीच में आए और हम अपने आप को बहुत ही अनुग्रहित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। प्राप्त हुआ कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी का जो 39वां यहाँ पे जो फाउंडर्स डे है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारे बजौरा में जो ये कार्यक्रम रखा गया है और इसमें जो हमारे जितने साइंटिस्ट हैं और अग्रणी बागवान संगठन है उसके साथ में जो उत्कृष्ट जितने भी यहाँ पे किसान बागवान हैं सब ने अपना समय निकालकर, स्कूली बच्चों ने समय निकालकर इस किसान दिवस को एग्रीफेस्ट के रूप में मनाया है। मैं समझता हूँ कि हमारे हिमाचल के लिए जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा जो अभी भविष्य है, और ऐसे में जो ये वैज्ञानिकों ने जो जितना भी शोध कार्य किया है इन जो किसान दिवस के माध्यम से वो शोध कार्य जो है बागवानों तक, किसानों तक पहुंच रहा है। मैं इस खास दिवस की इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के मार्गदर्शन में और श्री जगत जो हमारे जगत सिंह नेगी जी जो बागवानी मंत्री है उनके जो एक जिस प्रकार से एक विजन है उसमें हमने देखा कि बहुत आधारभूत उन्होंने परिवर्तन खासतौर पे हिमाचल में बागवानी में लेकर आए हैं। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से यूनिवर्सल कार्टन को लागू करना और किलो के हिसाब से सेब को बेचना, उसके साथ में सब्जी मंडियों में ही जो है कलेक्शन सेंटर्स का खोलना, उससे हमारे फल उत्पादकों को बहुत फ़ायदा हुआ है। आने वाले वक्त में जो जो यहाँ पे इस जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो एक्सटेंशन सेंटर है हॉर्टिकल्चर का जो हमारा ये है, इसमें जो जो कमियाँ हैं उसके ऊपर मैं सरकार के समक्ष इन बातों को उठाऊंगा। और मैं बहुत बेहतर भविष्य देख रहा हूं कि जो हमारे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में है बहुत बड़ा भविष्य हिमाचल का है। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस दिवस की और उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री और जो ये बागवानी मंत्री है इनके मार्गदर्शन में हमारा ज़िला और आगे बढ़ेगा। और मेरी तरफ से भी जो भी यहाँ पे जो धन की जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी बेशक वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उस धन को मुहैया करवाया जाए या सरकार की तरफ से मुहैया करवाया जाए, उन सभी प्रावधानों को करते हुए हम निकट भविष्य में और अग्रणी प्रदेश बागवानी क्षेत्र में उभर कर आएंगे। सीडी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।